मैं इस जख्म को इस इलाके में अपना स्वागत मानता हूं। इस जगह को अपना बनाने के लिए मुझे स्कारफेस को हराना होगा। सबसे पहले तो मुझे इस जंगल को समझना पड़ेगा, जो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं मुश्किल है। मुझे एकदम खामोश रहना पड़ेगा। और करीब पहुंचना होगा। कमाल है, ये लंगूर है। मुझे इन जानवरों से नफरत है। ये वाकई जंगल का सिक्योरिटी अलार्म है। कोई भी शिकारी दिखा नहीं कि ये चिल्लाने लगते हैं, और मुझे तो इन्होंने 1.5 किलोमीटर दूर से ही देख लिया। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं हूं कौन। जब तक मैं यहां से चला नहीं जाऊंगा, इनकी चीख चिल्लाहट बंद नहीं होगी। इस लंगूर को यहां फैंग कहा जाता है, और इसकी वजह भी है। ये गैंग का मुखिया है। तुझे अंदाजा भी है कि मैं तेरे कितने भाई भतीजों को खा चुका हूं। ये छोटे छोटे बंदर बड़े ही शरारती हैं, जबकि मैं इनका शिकार भी नहीं करता। आज के दिन भी कुछ ढंग का खाने को नहीं मिला। ये हिरण इतने नजदीक है कि लगता है मैं इन्हें पकड़ ही लूंगा। मुझे इन बंदरों से छिपने का कोई तरीका ढूंढना होगा, लेकिन ये आसान नहीं है। मेरी खाल इतनी अजीब है कि मेरे लिए यहां खास तौर पर अब शिकार करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि कबीनी में सूखे का मौसम चल रहा है। पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी हैं और जंगल को सूरज ने सुखा दिया है, तो मैं सबको अलग ही नजर आ जाता हूं। मेरे शरीर पर भी धब्बे हैं, सभी तेंदुओं की तरह, लेकिन मेरी बाकी फर काली है। यहां के ज्यादातर तेंदुए मेरे जैसे नहीं दिखते। इसके पीछे एक वजह है। मेरी बात समझ में आई? वो गायब से हो जाते हैं। ये है क्लियो। शायद ये इन परेशान करने वाले लंगूरों में से किसी को पकड़ सके। लेकिन इसे देर हो जाती है।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पेड़ से नीचे गिर जाए। ये जगह कब्जा किए जाने के लायक है। इसकी एक और वजह है क्लियो। इस जगह को अपना बनाने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है, इलाका और वंशज। क्लियो भरोसे से भरी है, ये ताकतवर है और खूबसूरत भी, तो मैं इसके करीब पहुंचने की कोशिश करता हूं। इस काम के लिए टाइमिंग एकदम सही है। इसके जज्बात को ठेस लगी है, ऐसे में इसे ढाढ़स बंधाकर बात बन सकती है। तो मुझे मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन लगता है आज ये मूड में नहीं है। क्लियो इस इलाके में मौजूद सबसे ज्यादा दबदबे वाली मादा तेंदुआ है और इसीलिए ये इसके साथ है, स्कारफेस के साथ। ओ, इन दोनों की तो दाल भी गलती लग रही है। ये दोनों एक ही पेड़ पर हैं, कुछ समझे आप? और मैं यहां नीचे इन जोकरों के बीच हूं। क्लियो स्कारफेस के बच्चों की परवरिश कर रही है। ये जानती है कि जिस तेंदुए का पूरे इलाके पर राज हो, उसके साथ मिलन करने से बच्चों के जिंदा रहने की गुंजाइश बढ़ जाती है।